Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to my YouTube channel. आज हम बनाएंगे कलाकंद। ये एक सिंपल सी मिठाई है जो सिर्फ दो चीज़ों से बनती है। इसे बनाने के लिए हमें केवल दूध और चीनी की ज़रूरत होती है। तो आइए कलाकंद बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 1 लीटर दूध लिया है जिसका हमें पनीर तैयार करना है। दूसरी तरफ हमने 1 लीटर दूध और लिया है, इसे हमें गाढ़ा करना है। टोटल दूध हमने 2 लीटर लिया है। अब हम एक कटोरी में थोड़ा सा नींबू का रस लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसे हम पनीर बनाने के लिए दूध में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जिससे कि पनीर हमारा थोड़ा सॉफ्ट तैयार हो। आप देख सकते हैं कि दूध काफ़ी अच्छी तरीके से फटने लगा है। थोड़ा थोड़ा करके डालने से पनीर काफ़ी सॉफ्ट तैयार होगा। अब आप देख सकते हैं दूध हमारा अच्छी तरीके से फट चुका है। इसे हम 5 मिनट तक और बॉयल करेंगे। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे हल्का सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। बाद में इसका हम पनीर तैयार करेंगे। अब हम इसे एक कपड़े में अच्छे तरीके से छान लेंगे। आप चाहें तो पनीर घर से बनाने की बजाय मार्केट से भी लेकर उससे भी कलाकंद बना सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके हम ठंडा पानी डालेंगे। इसके ऊपर पानी डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ पर लगभग मैं 1 से 2 लीटर तक पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद में अब इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी हम हल्के हाथों से दबाकर निकाल देंगे और इसे 5 मिनट तक रख देंगे। अब आप देख सकते हैं कि पनीर हमारा काफ़ी सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। हम इसे हल्के हल्के हाथों से मैश कर लेंगे जिसे जब मिठाई हमारी बनकर तैयार हो तो वो काफ़ी सॉफ्ट हो। कलाकंद मिठाई काफ़ी सॉफ्ट होती है। हमेशा पनीर को मैश करके ही इसकी मिठाई तैयार करें। अगर आप ऐसे ही डाल देंगे तो आपकी मिठाई ख़राब भी हो सकती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारा पनीर काफ़ी अच्छी तरीके से मैश हो गया है। अब हम इसे साइड में कर देंगे। दूसरे साइड में जो दूध हमने रखा था वो भी अब काफ़ी अच्छी तरीके से उबलने लगा है। अब हम इसे गाढ़ा होने तक पकाते रहेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पनीर आप घर पर बनाने की बजाय बाहर से ले सकते हो, आप उसी तरीके से दूध की जगह मावे का भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें फ्रेश दूध से बनाओगे तो आपकी मिठाई काफ़ी अच्छी बनकर तैयार होगी। दूध के गाढ़ा होने तक फ्लेम को हाई रखना है। दूध हमारा काफ़ी अच्छी तरीके से गाढ़ा हो गया है। अब इसमें हम 1 कटोरी शुगर ऐड करेंगे। 1 लीटर दूध में हम 1 कटोरी शुगर ही ऐड करेंगे। शुगर हमें थोड़ी थोड़ी करके ही डालनी है और इसे डालते हुए लगातार चलाते रहना है। आप देख सकते हैं कि शुगर डालने के बाद में यह पहले से काफ़ी पतला हो गया है। अब हम इसे तब तक चलाते रहेंगे जब तक ये काफ़ी अच्छी तरीके से गाढ़ा ना हो जाए। अब ये काफ़ी अच्छी तरीके से गाढ़ा हो चुका है। जो पनीर हमने तैयार किया था अब वो हम इसमें ऐड कर देंगे। पनीर ऐड करने के बाद में हम इसे इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। कलाकंद मिठाई हमारी दानेदार होती है। आप देख रहे हैं कि जैसा जैसा हम इसमें पनीर ऐड करते जा रहे हैं, इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते जा रहे हैं, इसमें छोटे छोटे दाने बनते जा रहे हैं। आप जितनी अच्छी तरीके से इसे चलाओगे, जितनी अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करोगे, इतने उतने ही अच्छे दाने पड़ेंगे और हमारी मिठाई भी मार्केट जैसी बनकर तैयार होगी। दूध में पनीर ऐड करने के बाद में हमें इसे सिर्फ 10 मिनट तक ही अच्छे से चलाना है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमने यहाँ इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसे हम 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैंने क्रश किए हुए बादाम का यूज़ किया है। आप
चाहे तो काजू का यूज कर सकते हैं या पिस्ते का भी यूज कर सकते हैं। अब मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ। कलाकंद एक सॉफ्ट स्वीट होती है और बहुत ही आसानी से बनने वाली स्वीट्स होती है। यहाँ पर आपको देख के लग रहा होगा ये बहुत ही सॉफ्ट स्वीट है और आसानी से घर पर बनाई जा सकती है।